दादी माँ आज धोलड़ी गांव में आम के बाग खेतों में एंजॉय करते हुए ये सब आम के वृक्ष खड़े हैं। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? कलम बना रही है पॉपुलर की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी? अच्छा, ये पॉपुलर के पेड़ पहले उखाड़ते हो आप या? ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिनकी कटिंग करती है। अच्छा, अगले साल के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, बच्चा पेड़ जी। तो आप ये नर्सरी है यहाँ पे? नर्सरी है। आपकी नर्सरी का क्या नाम है? राज प्लांट नर्सरी। राज प्लांट नर्सरी। इस जगह का नाम क्या है? धोलड़ी। धोलड़ी। अच्छा, तो आप नर्सरी के ओनर? हाँ। आपका नाम? राजू। राजू जी, बहुत अच्छा लगा। हम तो ये सोच रहे थे कि ये सूखी लकड़ियाँ आप वो टोकरियाँ वगैरह बना रहे हो। नहीं नहीं, हमने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। इसको ये हरियाली के लिए होता है जी, और इस लकड़ी से जो प्लाई बनती है। ओके। और गेट बनते हैं, इससे सबसे ज्यादा यूज में ये लकड़ी आती है। अच्छा, पॉपुलर की ये इतनी बड़ी हो जाती है, इसमें से दरवाजे वगैरह बन जाते हैं? सब बनता है इसमें। अच्छा, और क्या यूज में आती है ये पॉपुलर की? सब बैडमिंटन के बल्ले बनते हैं। ओके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादातर ये मैंने देखे थे सूखे सूखे, ये फलपट्टी क्षेत्र है इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पैदा होता है। ओके। इसके बाद भी सहारनपुर जी, ताजापुर जी, ये सब कई जगह होता है। सबसे ज्यादा यहाँ हमारे फलपट्टी क्षेत्र में पैदा होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान लगाते हैं ऐसे जी, और बेनिफिट भी इससे ज्यादा। तो इसका बेनिफिट भी है। काफी आपने एक दिन में कितने तैयार कर लेते हैं और कितने दिन बाद इसको लगाओगे? एक दो दिन के बाद लगा देंगे। जैसे आज ये ढेर सारी आपने काट ली है, एक दो दिन के बाद लगा देंगे। ओके। अगले साल लगभग 25-30 हजार पेड़ तैयार हो जाएंगे। तो एक पेड़ की कॉस्ट क्या होगी? लगभग 30 रुपए। मेहनत आपकी ज्यादा है, 2 साल में एक पेड़ की कीमत 30 रुपये होगी। एक साल में पूरा 1 साल उसकी बराबर पानी देना, पानी देना, खाद देना, जुताई करना, लगाई करना, ये सब होता है। सर्दी गर्मी से बचाना, बीज होता है उसमें यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं जी, आप जिंक वगैरह लगाते हैं। ऑर्गेनिक खाद यूज नहीं करते? जैसे हमने यहाँ देखा था मुर्गी, मुर्गी फार्म था यहाँ साथ में। ऑर्गेनिक क्या होता है वो, पहले कलम लगाने से पहले ऑर्गेनिक लगा लेते हैं। अच्छा। ओके। सल्फर भी लगाते हैं उसमें, जिंक भी लगाते हैं। ओके। तो ज्यादातर आप इसका पॉपुलर का ही यहाँ पे प्लांट है? वैसे कई प्लांट और देखे हैं मैंने। नहीं, यहाँ तो सभी चीजों का प्लांट है, फ्रूट के, अमरूद के। डोली में हमारे यहाँ सबसे बड़ी नर्सरी है। नहीं, आपकी नर्सरी में अभी हमें एक दो पेड़ों का और बताओ। नहीं, सब पूछो। पौधे के साथ ही खड़े होके पूछेंगे तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए, ये काले जामुन, ये गमले में भी लग सकता है? राजू भाई लग सकता है। कितने बड़े गमले में हम लगा सकते हैं इसको? ये थोड़ा बड़ा गमला लेना पड़ता है, 18 इंची या 18-20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा अगर ये जमीन में लगाएंगे तो घना बेहतर होता है जी। ठीक है। ये हमारे यहाँ अनार का होता है। लाओ, मैं मना रही हूँ, आप खड़े जाओ। नहीं, ये अनार का होता है हमारे जी। आप जाओ, इसमें अनार का भी कर सकते हैं। आप जाओ। कलमी अमरूद होता है जो कलम वाला है। तो ये वाला फिर पौधा जो अमरूद का है, हमारे छत पे नहीं लग सकता? छत पे लगता है, तो जमीन में लगाना पड़ता है। ये जमीन के लिए है जो बड़ी ग्रोथ करते हैं। बड़ी ग्रोथ करते हैं। बाकी और ये बड़े बड़े अलीची के पेड़ हैं, लोपाट के पेड़ हैं, और ये छोटे छोटे पौधे और भी रखे हैं। अलीची अनार थोड़ी लगेगा, टप में लग जाएगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बड़ा पेड़ होता है। ये मोरपंखी का पेड़ होता है, मोरपंखी का ये फुल बड़ी होती है मोर। ठीक है।
राजारानी का पेड़ होता है, जैसे देखो ये देखो आप ये देखो पहले इधर, ये इधर था देखने में हरा दिखेगा और इधर से देखने में लाल दिखेगा। हाँ ये वाला रात की रानी है ना भैया। एक ही पेड़ चाहिए भैया, ये वाला पेड़ चाहिए हमें। आपकी बार दे देना भाई। देखो ये हमने कलम बनाया हुआ। अच्छा इसमें से ये पौधा आपने दूसरा तैयार इसी से तैयार किया, पेड़ के अंदर लगे लगे ही पेड़ के अंदर कलम चढ़ाया, कलम दूसरा होता है इसी में से करके फिर पेड़ अलग बन जाएगा। बहुत अच्छा, लीची का पेड़। तो मैडम आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ जी, जंगपुरा भूगल से जी। और मेरा अपना यूट्यूब है जी, दादी माँ की गाड़ी। अच्छा अच्छा। और हमने छत पे कोशिश की है जी, थोड़ी सी जी सब्जियों को लगाने में, फ्रूट को लगाने में जी जी। और बताएं, और ये इधर आइए पौधों की जानकारी जो हम लगाते हैं। नींबू बोलते हैं जिसमें रस भरा होता है। कागजी नींबू तो हमने भी अपनी छत पे लगाया है, करीब करीब 150 से 200 नींबू आए हुए हैं हमारे इसमें। ये 12 मास वाला है जो 12 महीने आता है। इसका एक पौधा हमें आप दे दो। ठीक है, अच्छा सा निकाल के दे दो। ठीक है, दे देंगे जी। ये लोकाट होता है, लोकाट आप नहीं जानते होंगे शायद। नहीं, लोकाट जानते हैं हम। ये लोकाट का पौधा होता है, पौधा नहीं देखा बट हमने लोकाट खाए तो है ना। आई मीन लोकाट दिखाएंगे वो, देखो इसमें रोक लेकर फिर दोबारा ऐड कर लेंगे। ये लगी हुई लोकाट देखो, हमारे यहाँ ये लोकाट तैयार होती है। ये लोकाट पेड़ में लगे हुए हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक अंजीर का भी मैंने सुना था, अंजीर तो अलग होता है, लोकाट अलग होता है। ये लोकाट तो ये येलो कलर का जो होता है, इसमें अंदर एक बीज निकलता है बड़े बड़े से, किसी में एक या दो जी, ये वो लोकाट है जी। जी नाशपाती देखा आपने? नाशपाती, हाँ नाशपाती का भी पेड़ हमने नहीं देखा। आइए देखो भैया का, वो कर देना फेसबुक पे स्काइप। हाँ चलाते होंगे भैया। ये किस चीज का पेड़ है भैया? आड़ू का पौधा होता है। अच्छा, ये आपने एक साथ इतने सारे तैयार किए हुए हैं? हाँ, तो इसलिए लगाते हैं कि सपोज करो आपको 10 पौधों की जरूरत है, 4 पौधों की जरूरत है, उसमें निकाल के दे देते हैं। फिर इकट्ठे मतलब एक तरह से ये नर्सरी पौधे की आपने तैयार की है आड़ू के। ये नाशपाती का पौधा होता है, ये नाशपाती का पौधा है। काफी अच्छी तरीके से आपने नाशपाती का पौधा होता है। तो गर्मियों में नाशपाती आती है तो ये एक नंबर में कहलाया जाता है हमारे पौधा, एक नंबर में हमारे यहाँ पौधा कहलाया जाता है नाशपाती। हाँ ये फुल जो लोकाट का पेड़ है उसका पूरा वीडियोग्राफी करें आप, लोकाट बहुत है। ये ऊपर लोकाट का है, ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके आप ले लो, मैं तो पेड़ में लग गई। जी इस पे बहुत सारा लोकाट आया हुआ है और ये काफी मात्रा में लोकाट इसमें लगा हुआ है जी। आलू बुखारे पे हमने दूसरी नस्ल तैयार की है जी, आलू बुखारे पे हमने दूसरी नस्ल तैयार की है जी, जिससे हम कोई भी नस्ल तैयार कर सकते हैं, जैसे आड़ू की नस्ल, प्रभात जी, पंजाब, कुछ भी नस्ल तैयार कर सकते हैं। ओके, वो चीज हमने तैयार करके इसमें रखा है इसे। तो इसमें पानी में क्या भरा हुआ है? पानी में कुछ नहीं होता, ये पानी हमने भर के रखा ताकि ये पौधों को मात्रा मिले पूरी। अच्छा पूरा जिनका जितना भी प्रोटीन न्यूट्रिशन डाइट जो है। हाँ, पानी में कुछ नहीं होता इसमें। बहुत अच्छे, ठीक है मैडम आइए। ये राज नर्सरी प्लांट से हमने गुलाब के पौधे और बारहमासी नींबू का पौधा भी लिया, और भी कई पौधे हमने लिए हैं
राज नर्सरी से। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए।